साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो ईवीएम का भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है, यह परिवर्तन यात्रा लगभग ढाई महीने का समय हो गया है। 26 जून से 26 जुलाई, 26 जुलाई से 26 अगस्त और 26 अगस्त के बाद आज लगभग 12 सितंबर का समय हो गया है, तो ढाई महीने से ज़्यादा समय हो गया है ये परिवर्तन यात्रा चल रही है। जब हमने ये परिवर्तन यात्रा शुरू की तो जम्मू कश्मीर से पंजाब में आए, पंजाब से चंडीगढ़ में आए, चंडीगढ़ से हरियाणा में, हरियाणा से दिल्ली में, दिल्ली से राजस्थान में, राजस्थान से गुजरात में, गुजरात से महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से झारखंड, झारखंड से उड़ीसा जाएंगे, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ जाएंगे, छत्तीसगढ़ से हम लोग छत्तीसगढ़ निकलकर तेलंगाना जाएंगे, तेलंगाना से हैदराबाद 13 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेंगे, 14 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये परिवर्तन यात्रा स्थगित रहेगी राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए। फिर 1 जनवरी 2020 से ये परिवर्तन यात्रा कर्नाटका से शुरू होकर आंध्र प्रदेश जाएगी, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, तमिलनाडु से केरला और केरला से कन्याकुमारी पहुंचकर फरवरी एंड में ये परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। कन्याकुमारी के बाद भारत की कोई सीमा नहीं है, समंदर है, इसलिए ये कार्यक्रम वहीं पर समापन कर दिया जाएगा पहले चरण का। दूसरे चरण का कार्यक्रम गुजरात से गुवाहाटी, ये जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है, उसी तरह से पश्चिम, गुजरात पश्चिम में है, पश्चिम से गुजरात से गुवाहाटी आसाम, तो उत्तर से दक्षिण 180 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों से ये परिवर्तन यात्रा गुजरेगी और गुवाहाटी, गुजरात से गुवाहाटी तक 180 लोकसभा में, 360 लोकसभा में होगी, 140 लोकसभा में राष्ट्रीय स्तर के जो दूसरे पदाधिकारी है वो ये परिवर्तन यात्रा चलाएंगे। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन यात्रा है, ये परिवर्तन यात्रा 500 लोकसभा से गुजरेगी, 501 लोकसभा में चलेगी, तो ये एक बहुत बड़ा उपक्रम है। और इस तरह की परिवर्तन यात्रा आज़ाद भारत में बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा किसी संगठन के माध्यम से अभी तक नहीं निकाली गई। ना निकालने की एक वजह ये है कि बहुत सारे जो संगठन हैं वो गली मोहल्ले के संगठन हैं, जिले के संगठन हैं, और जिले के संगठन होकर भी उनके अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, गली के ही होते हैं मगर अध्यक्ष वो राष्ट्रीय होता है। अगर उनको पूछा जाए चलो राष्ट्रीय छोड़ो, महाराष्ट्र के जिले कितने हैं तो जिले का नाम भी मालूम नहीं है, जिले कितने, जिले देश के राज्य कितने हैं नहीं, जिले कितने हैं तो जिले के नाम भी मालूम नहीं है उनको, राज्य का तो सवाल ही नहीं है, तो मगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत सारे, तो उन लोगों का संगठन है नहीं कहीं, तो ऐसे लोग ऐसा कोई परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम नहीं बना सकते। 14 अप्रैल 84 को
काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, तो उस समय भामसे 13 स्टेट में 140 जिलों में थी, अभी 31 राज्यों में 542 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांव में इतना संगठन फैल गया है। 2,400 से जाति के कार्यकर्ता काम करते हैं, 6,000 जाति में से 2,400 से ज़्यादा जाति के लोग कार्यकर्ता काम करते हैं। शेड्यूल कास्ट की 1,700 जातियाँ हैं, शेड्यूल ट्राइब की 800 ट्राइब्स है और ओबीसी की 3,743 जातियाँ हैं। 6,000 से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो ये शेड्यूल कास्ट के लोग हमारे पास है, साथ है कार्यकर्ता, उसके साथ साथ मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब के, नॉमिडिक ट्राइब के, एमबीसी के, ओबीसी के, कुनबी मराठा के और माइनॉरिटी में मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, बुद्धिस्ट के, जैन के, लिंगायत के, इतने सारे के कार्यकर्ता काम करते हैं। और लगभग भामसे भारत मुक्ति मोर्चा इनके 67 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन, भामसे और भारत मुक्ति मोर्चा के 67 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले साल 21 करोड़ रुपया हमने इकट्ठा किया था आंदोलन को चलाने के लिए, और ये जो परिवर्तन यात्रा निकल रही है, इस परिवर्तन यात्रा का बजट है 6 करोड़ रुपया, 6 करोड़ का बजट रखा हुआ है। इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा निकालना है तो बगैर पैसे से तो होगा नहीं, मगर इस परिवर्तन यात्रा को सारे देश भर में इतना लोगों ने समर्थन दिया कि अभी तक लोगों ने हमारा एक नया पैसा खर्चा नहीं होने दिया, सारा का सारा खर्चा लोगों ने किया। खाने पीने का खर्चा लोगों ने किया, पीने का मतलब है पानी पीने का, रहने का, गाड़ियों के तेल का और कार्यक्रमों का, पब्लिसिटी का, हॉल बुकिंग का, कुर्सियों की बुकिंग का, ये सारा का सारा खर्चा लोगों ने किया और ऊपर से 40 लाख रुपया और दिया। वो 40 लाख रुपया हमने राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण निधि में जमा कर दिया। साथियों, ये इतना बड़ा संगठन होने की वजह से ऐसा है, हम लोग कर रहे हैं या कर पा रहे हैं। दूसरे लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो गली के संगठन वाले लोग हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उनका कुछ है नहीं है, तो इस वजह से वो इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं बना सकते, ना बनाया उन्होंने कभी। ये जो परिवर्तन यात्रा इतनी बड़ी हमने निकाली, इसके दो बड़े मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारतीय लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान दो हिस्सों में लोगों को बांटा था, हिंदू मुसलमान। मगर अंग्रेज आने के पहले ब्राह्मण 2,500-3,000 साल पहले आए भारत में यूरेशिया से, और ये बात अभी फाइनली प्रूव हो गई, डीएनए के अनुसार प्रूव हो गई। अभी जो अखबारों में झूठी खबरें आ गई थी, ये ब्राह्मणों ने, आरएसएस ने वो खबरें छापी कि ब्राह्मणों का डीएनए भी भारतीय है और सभी भारतीयों का डीएनए भारतीय है, ऐसा मोहन भागवत ने बयान दिया था। तो मैंने मेरे साइट पर लिखा कि भागवत जी, ब्राह्मणों का डीएनए भारतीय है, इसका कोई सबूत बताओ। तो अभी तक उन्होंने कोई सबूत दिया नहीं, क्योंकि राखीगढ़ी हरियाणा में अभी जो रिसर्च हुआ उसमें जो कंकाल मिला
उस कंकाल का डीएनए भी ब्राह्मणों का नहीं है, ये मूल निवासियों का है। तो इससे भी प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण जो है वो विदेशी है, यूरेशियन है, आर्यन भी नहीं है। ये आर्यन थ्योरी जो है गलत साबित हो गई, क्योंकि मेडिकल साइंस के अनुसार अब ये प्रूव हो गया है कि ब्राह्मण का डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है, इसलिए वो आर्यन नहीं है, यूरेशियन है। और यूरेशियन लोग जो काला सागर है, वो काला सागर के पास में है, अस्की मोजी नाम का एरिया है, जैसे मराठवाड़ा है वैसे अस्की मोजी नाम का एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ मोरुआ नाम की जाति है, मोरुआ नाम के लोग हैं। जो मोरुआ नाम के लोग हैं उनका डीएनए और ब्राह्मण का डीएनए आपस में मिल गया, तो इसे सिद्ध हो गया कि ब्राह्मण भारतीय नहीं है। और हमने ब्राह्मणों को चुनौती दिया भी आप अपना डीएनए सिद्ध करो, तो माइकल बामशाद ने ये प्रूव किया कि ये यूरेशियन लोग है। तो यूरेशिया से आकर भारत में ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने दो टुकड़े में बांटा था, हिंदू मुसलमान, ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। मनुस्मृति में इसका सबूत है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कौन सी जाति कैसे पैदा हुई, तो सबूत है लिखित। और मनुस्मृति पुष्यमित्र शुंग की हत्या, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहदत्त की हत्या करने के बाद लिखी गई। और पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, उसने बृहदत्त मौर्य की हत्या की, यानी एक विदेशी ने एक भारतीय मूल निवासी सम्राट की हत्या की। ये भी इस बात को सिद्ध करता है कि अगर ब्राह्मण मूल निवासी रहा होता तो वो मूल निवासी राजा की हत्या नहीं करता, और अगर वो मूल निवासी रहा होता तो मूल निवासियों के 6000 जाति के टुकड़े नहीं करता। विदेशी था इसीलिए टुकड़े किए, जैसे अंग्रेज ने दो किए तो ब्राह्मणों ने 6000 टुकड़े किए। तो हम बटे हुए लोग नहीं है, बांटे हुए लोग हैं, ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं। ये जो ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं, ये बांटे हुए लोगों को इन्होंने 6000 दाति के टुकड़ों में बांटा। तो इसलिए हमने उद्देश्य रखा कि इन लोगों को, बांटे हुए लोगों को जगाया जाए, जगे हुए लोगों को जोड़ा जाए, जोड़े हुए लोगों से शक्ति का निर्माण किया जाए, और निर्मित शक्ति का उपयोग और प्रयोग मुक्ति और आज़ादी के लिए किया जाए। ये पहला मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि 23 तारीख को, 23 मई को ईवीएम मशीन से वोट बाहर निकाले गए। निकालने के बाद क्विंट नाम के सोशल मीडिया ने अपने साइट पर खबर छापी कि 373 लोकसभा सीटों में से 220 लोकसभा में 54 लाख से ज़्यादा वोट निकाले, 54 लाख से ज़्यादा वोट निकाले। और प्रूव कर दिया क्विंट ने कि ईवीएम मशीन में 220 जगह घोटाला हुआ, और 153 लोकसभा में कम वोट निकाले, 220 जगह जहां ज़्यादा वोट निकाले वहां बीजेपी को जितवाने के लिए निकाले, और 153 लोकसभा में कम वोट निकाले वो विरोधियों को हरवाने के लिए निकाले। ये सारा का सारा डाटा क्विंट के सोशल मीडिया के साइट पर दिखाया हुआ है, मगर प्रिंट मीडिया ने ये खबर नहीं छापी।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल ने यह खबर नहीं छापी। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात है, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया, ए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया। प्यारा नंबर 29 में सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखा, केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये तीनों शब्द बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। अगर एक शब्द में कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहता है, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब है कि ईवीएम मशीन ईमानदारी से चुनाव नहीं कर सकती, ये कहा। और 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 अभी तक प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसकी खबर नहीं छापी। खबर ना छापने से क्या हुआ? खबर ना छापने से पेपर ट्रेल मशीन लगाने का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, घोटाला रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाई, मगर ये खबर मीडिया वालों ने 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अभी तक नहीं छापी। नहीं छापी इसलिए ईवीएम मशीन को घोटाला करना संभव हुआ और चुनाव आयोग को पेपर ट्रेल नहीं लगाने के लिए अवसर मिला। मैंने ईवीएम मशीन का नाम रखा घोटाला करने वाली मशीन, और मैंने पेपर ट्रेल मशीन का नाम रखा घोटाला पकड़ने वाली मशीन, क्योंकि ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं होता है इसलिए घोटाला होता है, और पेपर ट्रेल मशीन में फिजिकल एविडेंस होता है इसलिए घोटाला पकड़ा जा सकता है। तो मीडिया वालों ने खबर ना छापने की वजह से एक घोटाला चालू है, कंटिन्यू है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि भारत का जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये राष्ट्रद्रोही मीडिया है। 2 महीने से कह रहा हूं, किसी अखबार वालों ने हमें राष्ट्रद्रोही क्यों कहा? किसी ने अभी तक नहीं कहा, किसी ने एफआईआर दाखिल नहीं किया मेरे खिलाफ, क्योंकि उसको, उन लोगों को मालूम है कि वामन मेश्राम माइक पर बाद में बोलता है, सबूत पहले इकट्ठा करता है, तो मेरे पास तो सबूत है। तो इन लोगों ने मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल नहीं किया, तो मैंने मेरे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को कहा कि दिल्ली में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में मेरे नाम से मीडिया के विरोध में कंप्लेंट करो, वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर रहे तो मैं ही कर देता हूं। वाघमारी जी समझ रहे ना है? एक बार वाघ और वाघमारे दो लोग आपस में मिले। वाघ ने वाघमारे को कहा, मैं वाघ हूं। वाघमारे ने कहा, तू अगर वाघ है तो मैं वाघमारे हूं। वाघमारे समझ रहे हैं ना? ये हमारे माजल गांव के कार्यकर्ता वाघमारे साहब, पुराने हमारे कार्यकर्ता है। हमारे महाराष्ट्र के नाम भी ऐसे है, एक से एक नाम है, काले नाम है, पीले नाम है, हिरवे नाम है, पांडरे नाम है, मतलब जितने कलर है उतने भी नाम है। इतने सारे सरनेम जो है हमारे लोगों के भी, हमारे लोगों में दिखते। तो इस तरह से
जब अखबार वालों ने ये खबरें नहीं छापी तो हमने सोचा फिर लोगों को जानकारी कैसे मिलेगी। तो लोगों को जानकारी देने के लिए और लोगों को आंदोलन के लिए तैयार करने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, ये दूसरा उद्देश्य है। साथियों, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दायर की और उस केस में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। 2004-2009 में, अच्छा कांग्रेस ने ही पहले घोटाला क्यों किया, इसका भी कारण है, क्योंकि ईवीएम मशीन बीजेपी ने नहीं लाई, कांग्रेस ने लाई। इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी ने लाई, अभिषेक मनु संघवी ने प्रस्ताव रखा संसद में, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन किया संसद में, मेन अपोजिशन पार्टी लीडर, और तीसरा जो लीडर था सीताराम येचुरी, काला ब्राह्मण साउथ इंडिया का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी है, अभी है, काला ब्राह्मण है। ये काला ब्राह्मण गोरे ब्राह्मण से ज़्यादा खतरनाक होता है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो एक है कांग्रेस पार्टी, एक है बीजेपी, एक है कम्युनिस्ट मार्क्सवादी, ये तीनों ने ये प्रस्ताव संसद में पास किया। नाम के साथ हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और ये जो ईवीएम का संकट आज भारत के ऊपर थोपा गया है, ये इन तीन ब्राह्मणों ने थोपा है। नाम लेके बोलता हूं, वो ऑब्जेक्शन भी नहीं लेते। अटल बिहारी तो मर गया, उसके ऑब्जेक्शन लेने का सवाल नहीं, मगर उसकी विरासत बीजेपी वालों के पास है, बीजेपी वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। कांग्रेस वाले अभी भी है, कम्युनिस्ट वाले भी है, उन्होंने कोई मेरे खिलाफ केस दायर नहीं किया तो कि आपने हमारा नाम क्यों लिया, हमारी बदनामी किया। उन्होंने केस क्यों दायर नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है उन्होंने ही किया। ये तो मेरे पास सबूत है, संसद के अंदर है रिकॉर्ड। इसलिए जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और बीजेपी, ये तीनों के तीनों एक है हमारे लोगों के विरोध में, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग आकर मुझे कहते बागमारे, नहीं नहीं मेश राम साहब बहुत गलत कहते। मैं क्या गलत कहता, नहीं कांग्रेस को और बीजेपी तो डेली झगड़ते रहते हैं, डेली उनका झगड़ा होता है, आप कैसे कहते हो। तो मेरा कहना है ये जो कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा है, ये फिल्म में धर्मेंद्र और प्राण का जो झगड़ा होता है वैसा होता है। प्राण और धर्मेंद्र का झगड़ा कैसे होता है, जब शूटिंग चलती है तो डायरेक्टर कहता है धर्मेंद्र को कि प्राण को एक मुक्का मारो, तो वो ऐसा मुक्का मारता है, मतलब यहाँ तक लेके जाता है, ऐसा मारता नहीं है, यहाँ तक लेके जाता है, और फिर प्राण कहता है ऐसा ऐसा ऐसा, गिरने का नाटक करता है, फिर उठ के खड़े हो जाता है, फिर वो धर्मेंद्र को मुक्का मारता है, धर्मेंद्र भी ऐसा गिरने का नाटक करता है। जैसे ही शूटिंग समाप्त हो जाती है, दोनों टेबल लगाकर कुर्सी में बैठ जाते हैं और चाय का ऑर्डर देते हैं, और प्राण धर्मेंद्र को कहता है, यार धर्मेंद्र तू जवान है यार, मैं थोड़ा बुढ़ा आदमी हूँ, थोड़ा ध्यान रखा कर, तुम एकदम यहाँ तक नज़दीक तक ले कभी लग गया छाती में तो हार्ट अटैक हो जाएगा, मेरा ध्यान रखा कर यार। तो ये जो कांग्रेस बीजेपी की जो लड़ाई है, ये ऐसी लड़ाई है, धर्मेंद्र और प्राण जैसी लड़ाई लड़ते वैसी। और फिल्म में जब प्राण मर जाता है तो अगले फिल्म में फिर जीवित हो जाता, फिर धर्मेंद्र और वो ये थे, तो नौटंकी है सारा। तो कांग्रेस बीजेपी की जो लड़ाई है ये भी नौटंकी है, मगर अखबार वाले मीडिया वाले झूठी जो लड़ाई है उसको सही बताते रहे। हमारे लोगों को राजनीति समझ में नहीं आती, राजनीति समझना इतना आसान नहीं है, और हमारे लोगों को राजनीति समझ में आ जाती तो हमारे लोग राजा नहीं होते, प्रजा क्यों रहते। हम प्रजा बने हुए हैं, उसकी वजह हमें राजनीति समझ में नहीं आती, इस वजह से ऐसा है।
इसलिए ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। साथियों 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, एक केस में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा और दूसरा मुद्दा लिखा कि ईवीएम मशीन में चार बड़े फॉल्ट हैं। फॉल्ट नंबर एक, ईवीएम मशीन में जब कोई आदमी वोट डालने के लिए जाता है तो बटन दबाता है, लाइट जलता है, बीप का आवाज होता है और आंखों से वोट कहां गया दिखाई नहीं देता। मैं आपको उदाहरण देकर थोड़ा समझाता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। पहले बैलेट पेपर हुआ करता था, बैलेट पेपर में जब आप स्टैंप लगाते थे तो स्टैंप लगाने के बाद दोबारा आंखों से देखते थे और फिर खातरी कर लेते थे कि मेरा वोट मेरे पसंद वाले उम्मीदवार के नाम पर जमा हो गया है, फिर आप बैलेट बॉक्स में डाल देते। तो आपको गारंटी होती थी कि आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है वो आपका वोट उसी कैंडिडेट के नाम पर जमा हो गया है, आपको खातरी होती थी और आप निश्चिंत होकर घर में जाते थे कि आपका वोट आपने जिसको दिया उसी के नाम पर जमा हो गया है। मगर ईवीएम मशीन में आप बटन दबाते हो, लाइट जलता है, बीप का आवाज होता है और होने के बाद अगर कोई अनपढ़ आदमी रहा वो क्या करता है, उसको तो बैलेट पेपर देखने की आदत पड़ी है, उसको जब दिखाई नहीं देता तो क्या करता है, अरे कहां गया भाई वोट, क्योंकि उसको दिखाई देता नहीं है तो वो बोलता है कहां गया वोट। तो वो चुनाव आयोग का कर्मचारी उसके पास आता, कहता बाबा हो गया है। अच्छा हो गया है, हाँ हो गया है, कहां से आए थे, इधर से, इधर जाओ। वो सोचते सोचते जाता कि साला इन्होंने मेरे वोट को चुना तो नहीं लगाया, धोखाधड़ी तो नहीं किया। हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने ऐसा सोचा और मामला सुप्रीम कोर्ट गया। जब वोटर्स वोट डालने के लिए बटन दबाता है, लाइट जलता है, बीप का आवाज होता है, आंखों से जब दिखाई नहीं देता और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर वोट जाता है, जाने के बाद वो वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, अंदर अंदर ही अंदर कुछ दिखाई देता नहीं। आप बोलेंगे इसका सबूत क्या है, चलो लो सबूत दो, सबूत दे देता हूं। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव। विधानसभा का चुनाव के दौरान प्रोफेसर राणे विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे तो वो अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, समर्थकों को और अपने कार्यकर्ताओं को वोट डालने के लिए बूथ पर लेके गए, खुद गए, बीवी को साथ में लेकर गए, सबका वोट डाला और लोगों को डालने के लिए कहा। वोट डालने के बाद में जब काउंटिंग हुई, जीरो वोट निकला तो उसने पत्रकारों को कहा कि मेरे पड़ोसियों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, चलो मैं मानने के लिए तैयार हूं, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, चलो ये भी मानने के लिए तैयार हूं, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे वोट नहीं दिया होगा ये भी मानने के लिए तैयार हूं, मेरे समर्थकों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा ये भी मानने के लिए तैयार हूं, इवन मेरे बीवी ने मुझे वोट नहीं दिया होगा ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूं, कभी कभार मैंने जिंदगी में मेरे बीवी को झापड़ झूपड़ मारा होगा, मुझे तो याद नहीं है मगर मेरे बीवी ने याद रखा होगा, मारने वाला याद नहीं रखता, खाने वाले को याद रहता है, इसलिए उसने याद रखा होगा और उसने सोचा होगा प्रोफेसर को सबक सिखाने का अच्छा मौका है और उसने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा, चलो ये भी मानने के लिए मैं तैयार हूं, मगर मैं प्रोफेसर हूं, गधा नहीं हूं कि अपने आप को वोट नहीं डालूंगा। अरे कम से कम एक वोट तो ईवीएम से निकाला होता कि राणे को, प्रोफेसर को एक वोट पड़े, एक वोट भी नहीं निकाला, एक वोट भी नहीं निकाला तो उसने पत्रकारों को कहा, तो पत्रकारों ने उसको कहा, राणे को कहा, हाँ हाँ एक वोट
आपको जरूर निकाला जाना चाहिए था। हमारी पूरी सहानुभूति आपके प्रति है। प्रोफेसर ने सोचा, अरे पत्रकारों ने कहा अचार परोसा होता तो साला चाट लेता, ये सहानुभूति को तो चाट भी नहीं सकता। वहां से उसने मुझे टेलीफोन किया और कहा, मिश्राम जी ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, क्या करो। मैंने कहा रिटर्निंग ऑफिसर को लिख कर दे दे, सारे बूथ का डाटा मांग ले। अधिकारी ने लिख दिया, स्टैप लगाया, साइन लगाया। जिस बूथ पर उसको जीरो वोट पड़ा उस पर उसने वोट डाला, वो भी लिख कर दे दिया। मेरे ज्ञान में वर्धन हो गया। मैं पहले कहता था वोटर का वोट गायब होता है ईवीएम में, मगर यहां तो कैंडिडेट का वोट गायब हो गया साला, ऐसा तो मैं भी नहीं कहता था। मेरा भी ज्ञान बढ़ गया। ये इस बात का सबूत है कि वोट डालने के बाद ईवीएम मशीन के अंदर जाने के बाद वोट गायब हो जाता है, किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा ये पहले नंबर का फॉल्ट है। दूसरे नंबर का फॉल्ट यह है कि ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद कोई फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है। बैलेट बॉक्स में फिजिकल एविडेंस रहता था। फिजिकल एविडेंस किसको कहते हैं? जैसे वहां पंखा लगा हुआ है, पंखे की हवा आपको मिल रही है, हवा आपको आंखों से दिखाई नहीं देती, मगर जो बैलेट पेपर का मतपत्र है आंखों से दिखाई देता है, इसका आकार है, इसका वजन है, आंखों से दिखाई देता है, इसलिए इसको कहते हैं फिजिकल एविडेंस। हवा फिजिकल एविडेंस नहीं बता सकते हवा का। तो ये जब आप बैलेट बॉक्स में डालते थे 6 महीने तक इसका एविडेंस रहता था, मगर ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहता है, फिजिकल एविडेंस नहीं रहता। बैलेट वोट का फिजिकल एविडेंस ईवीएम में नहीं रहता है, बैलेट पेपर का एविडेंस बैलेट के अंदर रहता था, फिजिकल एविडेंस रहता था, मगर ईवीएम मशीन में नहीं रहता है। नहीं रहता है इसका परिणाम क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी वोट डालने के लिए गया, उसने पंजे को वोट डाल दिया बैलेट बॉक्स में, दूसरा आया उसने कमल के फूल को वोट डाला, उसने कमल के फूल को बैलेट बॉक्स में डाल दिया। दोनों फिजिकल एविडेंस है, एक में कमल का फूल स्टैंप लगा हुआ है, एक में पंजे पर स्टैंप लगा हुआ है। तो पंजे पर लगा हुआ जो स्टैंप है वो कमल के फूल में मिक्स किया जा सकता नहीं है बैलेट पेपर में, क्योंकि इसके अलग अलग एविडेंस है। कमल के फूल का एविडेंस अलग है, बैलेट पेपर में पंजे का एविडेंस अलग है, और वो छपा हुआ है, इसलिए एक वोट दूसरे में मिक्स नहीं किया जा सकता। मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर वोट जाने के बाद फिजिकल एविडेंस नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉनिक संख्या है। पहली संख्या बीजेपी की है, दूसरी संख्या कांग्रेस की है, दूसरी संख्या पहली संख्या में जाके मिक्स हो जाती है, क्योंकि फिजिकल एविडेंस अवरोध खड़ा करने के लिए वहाँ नहीं है। इसलिए बीजेपी के 2 वोट हो जाते हैं, कांग्रेस का 0 हो जाता है। होना ये चाहिए कि बीजेपी का 1 हो गया, कांग्रेस का 1 हो गया, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में फिजिकल एविडेंस ना होने की वजह से, मिक्स ना होने के लिए अवरोध खड़ा नहीं होता है और मिक्स हो जाता है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा ये दूसरे नंबर का एविडेंस है। तीसरे नंबर का एविडेंस ये है कि फिजिकल एविडेंस नहीं, इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, भौतिक सत्यापन। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब है भौतिक सत्यापन नहीं हो सकता। भौतिक सत्यापन क्या है? पहले बैलेट पेपर में कभी कभी कोई कैंडिडेट चुनाव हार जाता था तो कहता था मुझे हार मंजूर नहीं, दोबारा गिनती करो। दोबारा गिनती होती थी। दोबारा गिनती कैसे होती थी? उसका कानून है। 25-25 के गट्ठे बांधे जाते थे, दोबारा गिनती में खोले जाते थे और एक एक वोट उठाया जाता था। एक वोट उठाया, 25 के गट्ठे में एक वोट उठाया, किसका है? पंजे का है।
तो पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट के जो प्रतिनिधि काउंटिंग सेंटर में होते थे उनको दिखाया जाता, देखा भाई पंजा पंजा पंजा, ये पंजे के खाते में जमा, एक इसका है, एक कमल का फूल, ये देखा कमल का फूल कमल का फूल कमल का फूल, ये बीजेपी का खाते में, एक इसका है झाड़ू वाले का, चलो ये झाड़ू वाले का, झाड़ू वाला, ये झाड़ू वाले के खाते में, एक इसका है घड़ियाड़ वाले के, घड़ियाड़ वाले खाते में, एक इसका हाथी वाले का, हाथी वाले खाते में। यानी 25 के गट्ठे में वोट उठाया जाता, फिर दोनों आंखों से देखकर वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के बाद पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट के प्रतिनिधियों को दिखाना, दिखाकर अलग अलग पार्टी के अकाउंट में जमा करना, इस सारी प्रक्रिया को फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन बोलते हैं। हमारे बहुजन समाज के लोगों को चुनाव लड़ने की बहुत खुजली है, मैं देहात का रहने वाला हूँ, जमीन बेचकर चुनाव लड़ते हैं, इतनी खुजली है, जमीन बेचकर चुनाव लड़ते हैं, मगर जानकारी रखने की खुजली नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। तो जब ऐसा होता तो क्या होता था, कभी कभी हारा हुआ कैंडिडेट जीत जाता था, जीता हुआ कैंडिडेट हार जाता था, ये चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमारे पास भी है। मगर ईवीएम मशीन में क्या होता है, ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं तो फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा। अरे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल एविडेंस चाहिए, फिजिकल एविडेंस ही नहीं है तो फिजिकल वेरिफिकेशन कहां होगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा ये तीसरा फॉल्ट है। चौथे नंबर का फॉल्ट यह है कि ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं तो रिकाउंटिंग की व्यवस्था ही नहीं है, फिर से गिनती की ईवीएम में व्यवस्था ही नहीं है, फिर से गिनती की व्यवस्था ईवीएम बनाने वालों ने, डिजाइन करने वालों ने क्यों नहीं रखी, क्योंकि वोटों की चोरी करनी थी, इसलिए फिर से गिनती करने की व्यवस्था नहीं रखी। अगर फिर से गिनती करने की व्यवस्था रखी गई होती तो चोरी पकड़ी गई। अब ईवीएम में चोरी होती है मगर पकड़ी भी नहीं जाती, ये उस मशीन की विशेषता है, ये मशीन इसी तरह से इसको बनाई गई है और उसी पर्पज के लिए बनाई गई है। ये चार नंबर का फॉल्ट सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा तो बड़ा गंभीर मामला है, केंद्र सरकार को नोटिस इशू किया, चुनाव आयोग को नोटिस इशू किया, केंद्र सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, तो उनको मालूम था जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को पारदर्शिता के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया था, इसलिए सरकार को लगा कहीं सुप्रीम कोर्ट का जज जल्दबाजी में स्टे ना लगा दे या रोक ना लगा दे या असंवैधानिक घोषित ना कर दे, इसलिए केंद्र सरकार ने प्लान बनाया कि जज को मैनेज करना होगा। कांग्रेस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैनेज किया, बहुत गंभीर आरोप कर रहा हूं, चीफ जस्टिस को मैनेज किया और 6 साल से बोल रहा हूं, अभी तक मुझे जेल में डालना चाहिए था, एफआईआर करना चाहिए था, चीफ जस्टिस के बारे में बोल रहा हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, न्यायपालिका की अवमानना का मामला है, किसी ने कुछ नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है मेरे पास इसके भी सबूत है। जब कांग्रेस ने चीफ जस्टिस को मैनेज किया तो 2014 में मई महीने में रिजल्ट आया, बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार बनने के कुछ महीने बाद चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो गया, जब रिटायर्ड हो गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने उस जज को केरला का गवर्नर बनाया, कांग्रेस ने मैनेज किया, बीजेपी ने गवर्नर बनाया, समझ रहे हो ना, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, टेंशन हो जाएगा, आप लोगों को टेंशन होना ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है टेंशन से। कांग्रेस ने जज को मैनेज किया, बीजेपी ने उस जज को केरला का गवर्नर बनाया,
तो कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, चचेरे चचेरे, मौसेरे मौसेरे, भाई भाई है। जब बीजेपी कोई छोड़ता है तो कांग्रेस में जाता है, जब कांग्रेस कोई छोड़ता है तो बीजेपी में जाता है। तो इस तरह से कांग्रेस को छोड़ता है तो बीजेपी में जाता है, बीजेपी को छोड़ता है तो कांग्रेस को जाता है, नहीं भी गया तो चाचा बीजेपी में होता है, भतीजा कांग्रेस में होता है। सरकार अगर बीजेपी की बनी तो चाचा मिनिस्टर रहता है, और कांग्रेस की सरकार बनी तो भतीजा मिनिस्टर रहता है, सरकार घर में ही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथियों, ये एग्जाम्पल है सबूत के तौर पर। उसके बाद उन्होंने, कांग्रेस ने सोचा, चलो ये तो जुडिशियरी का मामला ठीक हो गया। इतने में उनको खबर मिली कि अडवाणी जी ईवीएम के विरोध में चंद्रा बाबू नायडू की मदद से रथ यात्रा निकालने वाले हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल गए कि सारे देश के दफ्तरों में, कांग्रेस के ऑफिसेस में आग लग जाएगी, लोगों में गुस्सा आ जाएगा कि उनके वोटों की चोरी हो करके लोग चुनकर आ रहे हैं, कांग्रेस के ऑफिसेस में आग लग जाएगी। तो कांग्रेस ने सोचा अडवाणी जी को रोकना होगा, तो रोकने के लिए कौन रोक सकता है, तो उनको समझ में आया आरएसएस रोक सकती है। वो नागपुर में आरएसएस के ऑफिस में गए और आरएसएस को कहा कि अडवाणी जी को रोकना होगा, और अगर ईवीएम के विरोध में बड़ा आंदोलन हुआ और ये मामला अगर ऐसा हुआ, दफ्तरों में आग लग जाएगी और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो जाएगा, तो 2004-2009 के फैसले अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे, देश खतरे में पड़ जाएगा, आप देशभक्त लोग हो, आप ही तो देशभक्त हो भाई, आरएसएस लोग आप ही देशभक्त हो, आपके अलावा आप देश में कौन देशभक्त रह गया है, आप ही देशभक्त हो, बाकी ये सारे तो देशद्रोही लोग हैं, तो अडवाणी जी को रोकना होगा। आरएसएस ने कहा ठीक है, अडवाणी जी को रोकेंगे, हमें क्या फायदा होगा। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा चलो अडवाणी जी को रोकेंगे, हमको क्या फायदा होगा। आरएसएस ने कहा आपको भी फायदा होगा, कि क्या फायदा होगा, 2014 का चुनाव आप घोटाला करके जीतो, 4 और 9 हमने घोटाला करके जीता, 14 का चुनाव आप घोटाला करके जीतो। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा कि आपने 2 बार घोटाला करके चुनाव जीता, सरकार बनाई, और आप हमको एक कई बार घोटाला करने की बात कर रहे हो, ये बराबरी की बात नहीं। तो कांग्रेस ने आरएसएस को कहा नहीं, हम ऐसा सोच रहे थे, आप देशभक्त लोग हैं, आप देशभक्त लोग हैं इसलिए घोटाले में आप शामिल नहीं होंगे, इसलिए एक बार का प्रस्ताव दिया, हमें क्या मालूम था आप दोनों घोटाले में शामिल होने के लिए राजी है, चलो अब पता चल गया आप दोनों घोटाले में शामिल होने के लिए रजामंद है, तो आप भी 2 बार कर लेना, हमने 2 बार किया, 4 और 9 आप चुप रहना, 14 और 19 आप कर लेना, हम चुप रहेंगे। अब 14 और 19 के बारे में ईवीएम नंगी हो गई, मगर कांग्रेस चुप है, सोनिया चुप है, मनमोहन सिंह चुप है, मनमोहन सिंह तो मौनी सिंह है, प्रियंका गांधी भी चुप है, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बोल नहीं रहा है, राहुल गांधी ने बोलना ना पड़े इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा दे दिया, साला अध्यक्ष रहूंगा तो बोलना पड़ेगा। तो इसलिए कांग्रेस का चुप रहकर समर्थन जारी है। अगर कांग्रेस ने संसद में हंगामा खड़ा किया होता ईवीएम के बारे में, तो 4 दिन भी ईवीएम टिक नहीं पाएगी। कांग्रेस हंगामा खड़ा कर नहीं रही है, उसकी वजह अंदर खाते में कांग्रेस का ईवीएम को समर्थन है। इसलिए साथियों, ये सारा घोटाला हो रहा है। मेरे पास 64 आईएएस अधिकारियों का डाटा है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर 64,
उन्होंने 6 पेज का लेटर चुनाव आयोग को लिखा, ये चुनाव में घोटाला हुआ, एक भी सवाल का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, इतनी बड़ी गड़बड़ी है। 83 मिलिट्री ऑफिसरों ने लीक कर दिया, इतना बड़ा घोटाला है। और जब 220 जगह पर 54 लाख से ज्यादा वोट निकले, 153 लोकसभा में कम वोट निकले, तो क्विंट के पत्रकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए कि ये कैसे हुआ। तो चुनाव आयोग ने कहा कि देश के कलेक्टरों ने हमें पास जो डाटा भेजा, वो डाटा हम चुनाव आयोग के साइट पर धीरे धीरे लोड कर रहे हैं। धीरे धीरे लोड करने की वजह से ऐसा हुआ। तो क्विंट के पत्रकारों ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को कहा, कमिश्नर को कहा, अगर आप धीरे धीरे लोड कर रहे हैं तो 220 लोकसभा में ज्यादा वोट कैसे निकले। अगर आपने धीरे धीरे लोड किया तो ईवीएम में ज्यादा वोट कैसे निकले। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। एसवाई कुरेशी के पास गए, भूतपूर्व इलेक्शन कमिश्नर, उसने कहा मैं तो भूतपूर्व हो गया हूं, आप उसी कमिश्नर के पास जाइए, वही जवाब देगा, और उसको चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए जवाब देना होगा। ये सुनकर, एसवाई कुरेशी की बात सुनकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरोड़ा ने चुनाव आयोग के साइट पर रखा हुआ डाटा डिलीट कर दिया। डिलीट करने का मतलब छुपाया, छुपाने का मतलब है अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश की। इससे सिद्ध होता है कि चुनाव कमिश्नर पूरी तरह से एक घोटाले में शामिल है। उसके बाद उसने और बड़ा ब्लंडर किया, उसने सारे देश के कलेक्टरों को एक मैसेज भेजा और मैसेज में लिखा कि यह डाटा मिल नहीं रहा है, 54 लाख ज्यादा निकला, ये मिल नहीं रहा है, और 153 में कम निकला, ये मिल नहीं रहा है, 30 तारीख तक मिलाकर भेजो, मई तक। ये रिटर्न मैसेज उन्होंने कलेक्टरों को देश में भेजा, अधिकारियों को भेजा, मेरे पास उसका रिटर्न सबूत है। जो सीक्रेट मैसेज कमिश्नर ने भेजा, चुनाव आयोग ने भेजा, वो उसका मेरे पास लिखित सबूत है। आप सोचते होंगे आपके पास लिखित सबूत कैसे है, ये सरकार के पास जैसे सीआईडी है वैसे मेरे पास भी सीआईडी है भाई, क्योंकि मैं बामसेफ का प्रेसिडेंट हूं, बामसेफ तो कर्मचारियों का संगठन है, तो हमारे पास भी, और ये सबूत मैंने सुप्रीम कोर्ट को देना है। इसके बाद जो बात मैं आपको बता रहा हूं तो सुनकर आप हैरान हो जाओ, बहुत भयंकर बात है। एक आरटीआई पत्रकार ने ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनी को पूछा कि आपने चुनाव आयोग को कितनी मशीनें दी, 40 लाख। उसने बाद में चुनाव आयोग को पूछा आपके पास मशीनें कितनी है, 20 लाख। तो आरटीआई कार्यकर्ता को जानकारी मिल गई कि 20 लाख मशीन गायब है। तो उसने वीडियो प्रोग्राम बनाया और उसमें कहा कि जो मशीनें चुनाव आयोग के पास है उस पर चुनाव नहीं होगा, जो मशीनें गायब है उस पर चुनाव। तो अब गायब मशीनों का सबूत देता हूं। जब चुनाव आयोग ने ये सुना तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया दिल्ली में और कहा कि ईवीएम मशीन कहां से आ रही है, कहां को जा रही है, इसको ट्रैक करने के लिए जीपीएस ट्रैक सिस्टम लगाया जाएगा। जब क्विंट के पत्रकारों ने जीपीएस ट्रैक सिस्टम मांगा चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने देने से इनकार कर दिया, और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आरटीआई कानून में संशोधन किया कि चुनाव आयोग को जो जानकारी पूछी जाएगी
वो जानकारी देना चुनाव आयोग को बंधनकारक नहीं है। इससे भी सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग घोटाले में पूरी तरह से शामिल है। और ये जो अमेंडमेंट भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने किया, ये घोटाले से बनी सरकार को बचाने के लिए किया। और ऐसा कानून बनाना ये भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं। केस चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है। अभी मैं आपको गायब मशीनों के दो सबूत देता हूं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे थे, तो उसका भाई डॉन है, तो उनके हथियारबंद दस्तों ने ट्रक पकड़ा ईवीएम गायब मशीनों का, जो स्टैंप लगाकर बटन लगाकर दबाकर लाई जा रही थी काउंटिंग सेंटर पर, रोका, उन्होंने पकड़ दिया। काउंटिंग पूरी होने तक ट्रक को नहीं छोड़ा। जब कलेक्टर ने अफजाल अंसारी जीत गए सर्टिफिकेट दे दिया, जब सर्टिफिकेट दे दिया तो सर्टिफिकेट देने के बाद उसने ट्रक छोड़ा। वो जो ईवीएम मशीन गायब मशीनों का जो ट्रक था वो बाद में छोड़ा, जब ये जीतने का सर्टिफिकेट कलेक्टर ने दे दिया। यूपी की बात है, बीजेपी 58 जगह पर चुनाव जीती 80 में से। अगर अफजाल अंसारी का उदाहरण 58 जगह लागू कर दिया जाए, दूसरे लोगों ने मिसिंग मशीन के ट्रक नहीं पकड़े इसलिए वो 58 जगह जीत गए। अगर दूसरे लोगों ने भी मिसिंग मशीन के ट्रक पकड़े होते तो भी यूपी में बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। ऐसे कई जगह होता, दूसरा महाराष्ट्र में भी होता। महाराष्ट्र का उदाहरण ले लो, नितिन गडकरी के विरोध में नाना पटोले चुनाव लड़ रहे थे। नाना पटोले के पास एक डिवाइस था, उसमें वोट जिन मशीनों पर डाले गए उसके सीरियल नंबर थे मशीन के, मगर जब काउंटिंग शुरू हुई वो सीरियल नंबर की मशीनें गायब थी। और जिन मशीनों पर वोटिंग लोगों ने नहीं किया वो मशीनें काउंटिंग सेंटर पर लाई जा रही थी और गिनती हो रही थी। नितिन गडकरी ने चुनाव जीत लिया। जब ये ऐसा हो रहा था तो उसने कलेक्टर को ऑब्जेक्शन लिया, कलेक्टर ने नहीं माना, उसने नागपुर के हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया। जब केस दायर कर रहा था तो कांग्रेस ने उसको रोका कि ऐसा मत करो, उसने नहीं माना। कांग्रेस ने क्यों रोका? क्योंकि कांग्रेस ऐसा सोच रही थी कि बीजेपी के साथ हमारा समझौता है, दो बार घोटाला हमने किया तो वो चुप रह रहे, वो दो बार घोटाला करे तो हमको चुप रहना चाहिए, कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। मगर नाना पटेले अभी अभी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस आया था, वो कांग्रेस का तो कार्यकर्ता था नहीं, उसने कांग्रेस की बात को नहीं माना, नागपुर हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया। अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं। परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के वोट का अधिकार खत्म हो गया। वोट का अधिकार खत्म हो गया का मतलब हम जिसको चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं आता, जिसको चुनना नहीं चाहते वही चुनकर आता है। तो इसका मतलब है हमारा वोट का वैल्यू जीरो हो गया। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का वोट जीरो हो गया। तो जीरो होने की वजह से एमएलए एमपी चुनने का अधिकार खत्म हो गया। जब हमारे प्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो संविधान पर अमल कौन करेगा? तो संविधान भी खत्म हो गया। तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर है। इसके विरोध में हम सारे देश भर में आंदोलन करने के लिए
रीजनल पार्टियों के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं, रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर आंदोलन खड़ा करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। जैसे ही आंदोलन शुरू होगा आपको निवेदन किया जाएगा, आप आंदोलन में शामिल हो जाएं, क्योंकि अगर आपको वोट का अधिकार बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप ऐसा करेंगे इस आशा और विश्वास के साथ। आपने भी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।